हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतीश भाई। आज मेरी सेल्टोस का जो है विंडशील्ड जो है वो क्रैक हो गया। ये देखो आप, ये यहाँ से क्रैक हो गया। ये पता नहीं कैसे क्या हुआ। 3-4 दिन मैं कहीं बाहर घूमने गया हुआ था तो गाड़ी लेके, उसके बाद जैसे ही मैं आया, 3-4 दिन गाड़ी खड़ी थी और 3-4 दिन बाद मैंने देखा गाड़ी तो ये साइड से क्रैक हो गया। ये पता नहीं कैसे, बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये यहाँ से कुछ पता नहीं क्या लगा और ये यहाँ, पहले यहाँ तक था, अब ये इतना बढ़ गया है। तो आज मैं इसको चेंज कराने जा रहा हूँ। मैं कंपनी से ही कराऊँगा, बाहर से तो मेरे को विश्वास नहीं है। ये ओरिजिनल का और डुप्लीकेट का तो ये बहुत ही बेकार हो जाएगा। अगर मैंने बाहर से करा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओरिजिनल और उसका मेरे को नॉलेज नहीं है। ये जैसे कंपनी से है तो ये लिखा हुआ है, सारी सब कुछ लिखा हुआ है इस पर, तो मैं कंपनी से ही कराऊंगा। इंश्योरेंस क्लेम लेने जा रहा हूँ आज मैं। अपॉइंटमेंट तो मैंने पहले ही ले ली थी तो मैंने कहा चलो इसको क्लेम में ही करा लेते हैं। वैसे ओरिजिनल शीशा इसका 9,000 रुपये का है तो क्लेम में उन्होंने बताया मेरे को ये 1,000 रुपये लगेंगे आपके, फाइल चार्ज वगैरह जो भी है। बाकी मैं वहाँ जाके देखता हूँ क्या है इनका। बाकी ये फास्टैग लगा हुआ है और ये उधर कोने में जो ब्लू कलर की वो स्टिकर आती है नंबर प्लेट के साथ वो है, तो नंबर प्लेट की जो स्टिकर आती है वो मैं दोबारा ऑर्डर कर दूंगा, वो आ जाएगा दोबारा। बाकी मैंने फास्टैग के लिए, मेरा पेटीएम से लिंक है तो मैंने इसको दोबारा से, ये जो पेटीएम से लिंक करा रखा है तो ये दोबारा आ जाएगा 2-3 दिन में। आज ही मैंने इसकी बात कर ली थी तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा इसका और 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज के बाद घर पर आ जाएगा और जो 150 रुपये सिक्योरिटी होती है इसके अंदर वो मेरे को दोबारा मिल जाएगी। तो बस यही था भाई, मन दुख रहा है। नई नई गाड़ी का विंडस्क्रीन क्रैक हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, क्या पत्थर लग गया, क्या लग गया। गाड़ी खड़ी थी, घूम घाम के आए बढ़िया और उसके बाद गाड़ी 3-4 दिन खड़ी थी, देखा क्रैक होना शुरू हो गया अपने आप ही। पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। कई जने कह रहे थे कि बाहर से लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, बाहर से ही हाथ के हाथ गाड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा भाई बाहर से नहीं कराऊंगा, कराऊंगा तो कंपनी में क्लेम ले लूंगा। इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं भाई, क्लेम लेने के लिए कराते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्लेम ही ले लेते हैं, 1,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद गाड़ी अपनी 2-3 दिन कह रहे हैं कंपनी वाले कि 3 दिन गाड़ी रखेंगे अपने पास और 3 दिन के बाद गाड़ी मिलेगी। तो बोलूँगा उनको कि जल्दी से जल्दी कर दे, चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ क्या बोले उन्होंने, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई मैं किया में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने गाड़ी दे दी अपनी और सर्वे भी करा दिया इसका, तो सब कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप कराया इन्होंने और कह रहे हैं कि गाड़ी मिल जाएगी कल तक, कल नहीं तो परसों तक कह रहे हैं दे देंगे। और ये फास्टैग और ये जो है लगा हुआ तो ये उतारने के लिए बोल रहा था उनको, तो वो कह रहे थे कि कल उतार लेना आप। तो ये जो गाड़ी से लगा हुआ है यहाँ पे फास्टैग, ये कल कह रहे हैं उतारने के लिए, अपने आगे उतार लेना। बाकी जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट का जो स्टिकर आता है ऊपर ब्लू कलर में उधर कोने में वो, ये वाला, ये भी कह रहे हैं कि बाद में उतार लेना आप, अपने आगे उतरवा लूँगा मैं। तो जो नया शीशा होगा वो कहीं सर्वेयर दिक्कत ना करेगी उसको उतारने में, चटका है ये ऐसा कुछ। तो बाकी देखते हैं, सारे फॉर्म वगैरह फिलअप तो हो गए हैं, 1,000 रुपये लगेंगे। बाकी अब गाड़ी कह तो रहा है कि आज जल्द से जल्द अप्रूव करवा के आपका कल तक गाड़ी दे दूंगा शाम तक, नहीं तो परसों सुबह देंगे। बाकी मैं अभी फ़ोन करके बोलूँगा इनको कि मेरी को गाड़ी जल्दी चाहिए, तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी मैं बताता रहूँगा आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।